हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी जो एमबीए एग्ज़ाम हुआ था 23, 24 और 25 अगस्त को, उसका रजिस्ट्रेशन एंड कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैप राउंड स्टार्ट होंगे, तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। ये नोटिफिकेशन आज ही आई है शायद, या फिर लेट नाइट आज कल आई होगी, ठीक है। तो इसी पे आज वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आप लोग के अपडेट्स मिलते रहें जो भी सीईटी से आ रहे हैं और भी एमबीए एग्जाम्स के रिलेटेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग सीईटी वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे न्यू करके एक आ रहा है, ठीक है, एमबीए एमएमएस, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आ गए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है और रजिस्टर कैंडिडेट लॉग इन है। और यहाँ पे अगर मैं डेट्स की बात करूँ, ठीक है, डेट्स की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है यहाँ पे, तो उस पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन का, जो भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बाई कैंडिडेट ऑफ एडमिशन ऑन वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब ये जितना रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो ये सब आपको 7 से लेके 13 तारीख तक आप लोगों को फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अगर उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, ठीक है, एक वन सेकेंड, ठीक है, उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे 13 के बाद आपको 16, उसके बाद आपको सबमिशन ऑफ एनी, आपको जो भी आपको ग्रेवियंस रहेगी वो आपको 16 से 18 तारीख को मिलेगी, ठीक है। आप उसमें सबमिट कर सकते हो। कैप राउंड 1 जो स्टार्ट होगी वो 20 से लेके 25 तक चलेगी, मतलब 5 डेज का इस बार टाइम मिल रहा है, ठीक है। और कैप राउंड 1 की जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी वो 28 को आएगी, ठीक है। उसके बाद कैप राउंड 2 जो स्टार्ट होगी हमारी, वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है। कैप राउंड डिस्प्ले ऑफ उसका 2 से लेके 4 तक ये आपको चलेगी फाइनल, ठीक है, उसका डिस्प्ले होगी 6 तारीख को, ठीक है। उसके बाद कैप राउंड, इस बार 3 भी सरप्राइज की बात है, इस बार 3 भी कैप राउंड आई है, लास्ट ईयर नहीं थी कैप राउंड 3, ठीक है, इस बार आई है, तो अच्छी बात है, और ज़्यादा चांस आपको मिलेगा कॉलेज सेलेक्ट करने को, ठीक है। कैप राउंड 3 में आपको 10 से है, ठीक है, तो आपको 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। यहाँ पे देखो जितने कैप राउंड हो रहे, फर्स्ट में आपको 5 डेज का, सेकेंड में आपको 4 या 3 डेज का मिला, इसमें 2 डेज का ही मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और कैप राउंड में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इस बार इतने टाइम नहीं है। और जो भी कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक है ये आपको 10 से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट मंथ से, नवम्बर से, ठीक है। तो आप लोग को ऑल द बेस्ट, मतलब जो भी आप लोग कॉलेज मिलेगा, ठीक है, इसके लिए। और जो भी अपडेट्स आएंगी इसके फॉर्म रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग रिलेटेड, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कल तक मैं शायद एक वीडियो पोस्ट करूंगा इस पे सेपरेट, एक फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, आपको एक भी अपडेट छूटेंगी नहीं, ठीक है, मिस नहीं होंगी। तो यही था आज का हमारा वीडियो, जो भी आपको इसमें पूछना हो, ठीक है, डाउट हो इस वीडियो में, मुझे आप बताओ, मैं उसके जरूर आंसर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक भी नीचे दी हुई है, और टेलीग्राम की ग्रुप BBA MBA से, ऑल कॉलेज BBA MBA ऑल कॉलेज ग्रुप है टेलीग्राम पे, तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।